सब, मुझे पता है आप लोग बिल्कुल ठीक है और हम भी बिल्कुल ठीक है। और आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको वेस्टेज के बारे में कुछ बताया था, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपको उसके प्रोडक्ट जल्दी से जल्द दिखाऊंगी, तो वो प्रोडक्ट आ चुके हैं और मैं आप लोगों के सामने दिखाने जा रही हूँ वेस्टेज के प्रोडक्ट, जो बहुत ही अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमें उस प्रोडक्ट से बहुत बहुत प्रॉफिट है। और प्रॉफिट ये है कि अगर हम कभी भी किसी शॉप से कोई भी सामान लेते हैं तो हमें उसके बदले सिर्फ और सिर्फ हमें मनी देनी होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है वेस्टेज में। वेस्टेज में अगर जब भी हम कोई सामान लेते हैं, चाहे वो राशन से रिलेटेड हो, स्किन केयर से रिलेटेड हो, या मेडिकेटेड मेडिकल वगैरह से कोई रिलेटेड चीज़ें हो, तो उसमें हमें PV मिलता है, जो हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है। और PV हमें मिलते हैं पॉइंट्स, जिससे हमें पॉइंट्स मिलते हैं और वो पॉइंट्स होते हैं हमारे मनी। और जितने ही प्रोडक्ट्स पर पॉइंट होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारे पैसे भी बढ़ते हैं। जैसे हम एक ब्रश ख़रीदने गए हैं तो वो सिर्फ हमने वहाँ पे मनी पैसे दिया है और पैसे देके वो सामान हमने लिया है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे हम पर हमने एक ब्रश भी लिया है तो उसके भी हमें 2 या 3 रुपये मिलेंगे। तो आप बताइए कि हम जब कोई सामान लेते हैं और उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ घाटा हो रहा है, यानी कि हमें यहाँ से थोड़ा मुनाफा हो रहा है, तो हमने सोचा कि चलो हम थोड़ा प्रॉफिट ही ले लेते हैं। तो हम जल्दी से जल्द वो प्रोडक्ट लेके आए हैं, तो मैं आपको वो प्रोडक्ट दिखा रही हूँ और उसके प्रोडक्ट में क्या क्या इंक्लूड है, उसमें क्या बेनिफिट्स हैं और हमारे बॉडी के लिए भी कितना अच्छा है। तो चलिए देर ना करते हुए जल्दी से मैं आपको वो प्रोडक्ट दिखाती हूँ। मैंने अभी ही वो प्रोडक्ट खरीदे हैं वहाँ से और मैं दिखा देती हूँ आपको देर ना करते हुए जल्दी से। तो चलिए चलते हैं। ये है ब्रेकफास्ट हाई न्यूट्रिशन वाला, जिसके अंदर है कॉर्नफ्लेक्स। कॉर्नफ्लेक्स के अंदर आपको मिलेगा इसके अंदर सारे तरीके के ड्राई फ्रूट, जिसमें है आमंड्स एंड पम्पकिन सीड्स एंड आपका राइसिन ब्लैक एंड मिलेट एंड अमरथ। तो ये सबसे अच्छा है बॉडी के लिए और इसमें आपको सारे ड्राई फ्रूट्स मिल रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी हेल्दी है बच्चों के लिए भी और हम लोगों के लिए भी। तो आगे चलते हैं। आपको इसमें मिलेंगे आपको पॉइंट्स, हर एक प्रोडक्ट्स पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे और वो पॉइंट्स आपके कन्वर्ट होंगे मनी के अंदर और वो आपको सीधा आपके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको और आगे प्रोडक्ट दिखाती हूँ। प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं लेकिन मेरे पास तो काफ़ी बड़ा ब्लॉग हो जाएगा, तो मैं जो जो मेन है आइटम्स मैं वो आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। यह है चाय की पत्ती। आजकल के टाइम में लोग ज़्यादातर अवॉइड करते हैं चाय को, क्योंकि चाय बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है, लेकिन जो लोग चाय को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, जिनको सुबह उठते ही मॉर्निंग टी चाहिए, बैड टी चाहिए, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है ये जेटा प्रीमियम टी, जो कि इसमें 8 हर्ब्स हैं, जो हैं मैं आपको बता देती हूँ, जो है अश्वगंधा इसके अंदर, मुलैठी, शौंथी, काली मिर्च, हल्दी, मुनक्का, दालचीनी, तुलसी और अश्वगंधा। तो इसमें हैं 8 हर्ब्स और जो हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत हेल्दी है और ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स भी करेगी, क्योंकि इसके अंदर ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे लिए काली मिर्च, हल्दी और ये अश्वगंधा, मुलैठी, तुलसी, दालचीनी, मुनक्का, ये बहुत अच्छी है। जैसे हम लोगों को कई बार कफ हो जाता है तो ये उसके लिए भी बेस्ट है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि ये वाली चाय की पत्ती यूज़ के काफ़ी बेस्ट है। और इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हर प्रोडक्ट्स पे आपको PV मिलेगा, जो PV आपका मनी में कन्वर्ट होगा, क्योंकि हम कभी भी किसी शॉप से अगर सामान लेते हैं तो हमें कभी भी सामान के बदले पैसा नहीं मिलता, लेकिन यहाँ हमें पैसा भी है। तो आगे चलते हैं। गाइस, ये है हमारा राइस ब्रैन ऑयल, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत हेल्दी है। सबसे पहले मैं इसको आपको बता देती हूँ कि ये बना है ब्राउन राइस से, और ब्राउन राइस हमारे लिए बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होता है। सबसे पहले इस ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत हेल्दी है। इसमें विटामिन ए और डी है, जो हमारी फिजिक्स के लिए बहुत बहुत बेस्ट है। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग भी ये वाला ऑयल यूज़ करके देखिएगा। ये है डेंट एश्योर का टूथपेस्ट,
जो हमारे दांतों के लिए बहुत बहुत अच्छा है। इसके अंदर नीम और लौंग का बना हुआ है और काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट है। मैं पहले भी इसको यूज़ कर चुकी हूँ क्योंकि मेरे भी दांत में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी बीच में, लास्ट का एक दांत भी निकल गया क्योंकि दांत में बहुत दर्द पेन रहता था। तो मैंने इसको यूज़ किया, जब मैं इतना इसके बारे में जानती नहीं थी, लेकिन मैंने इसको यूज़ किया तो इसका रिज़ल्ट बहुत बहुत बेस्ट आया। जैसे बच्चे होते हैं कई बार मुंह में टॉफ़ी रख के सो जाते हैं और उनकी कैविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, दांत खोखले हो जाते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। चाहे आप कुछ यूज़ करना ना करना, लेकिन एक बार इस कॉलगेट को ज़रूर यूज़ करके देखना, काफ़ी बेस्ट है, अच्छा रिज़ल्ट है इसका। तो यहाँ से डेंट एश्योर के टूथब्रश भी मंगाए हैं, जो इसके अंदर चार पेयर हैं, तो चलिए इसको भी यूज़ करके देखेंगे। ये है फ्लोर क्लीनिंग, काफ़ी अच्छा है इसका, बेस्ट रिज़ल्ट है। मैं इसको दो दिन से यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा है। मैंने तीन मंगाए थे ये, तो मैंने एक तो खोल लिया है, लेकिन ये अभी एक और ये वाला, ये दो रह रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा है, अच्छा लगा मुझे, काफ़ी बेस्ट है। और ये देख सकते हैं इसी का ही है, ये अल्ट्रा वॉश कपड़े धोने के लिए, ये भी मैंने तीन मंगाए थे, एक ओपन कर लिया है और एक ये है। और तो गाइस ये देख सकते हैं, ये है एश्योर का साबुन, काफ़ी अच्छा है, जो है नीम तुलसी और पुदीने का, जिससे हमें नरिशिंग और मॉइस्चराइज़र के लिए मंगाया है, क्योंकि गर्मी में स्किन ड्राई होती है। लोग कहते हैं कि सर्दी में होती है, लेकिन गर्मी में भी स्किन बहुत ड्राई होती है और लिप्स भी ड्राई होते हैं। तो ये मैंने मंगाया है एश्योर का सॉप, जिसमें नीम तुलसी और पुदीने का है, इसमें नरिशिंग और मॉइस्चराइज़र है, और इसका रिज़ल्ट भी अच्छा है। मैं तीन चार दिन से यूज़ कर रही हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है। और आप देख सकते हैं मेरे हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, तो मैंने ये अपने लिए ये मंगाया है एश्योर का ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट शैम्पू, तो मैं भी यूज़ किया है, आज भी यूज़ किया है, अच्छा लग रहा है, लेकिन अब बाद में पता चलेगा इसका रिज़ल्ट। तो जैसे अगर अच्छा रिज़ल्ट आएगा तो मैं आपको इसके बारे में बताऊँगी। और ये है एश्योर का फेस वॉश, ऑयल कंट्रोल फेस वॉश है, जो कि कैरेट और नीम सीड से बना हुआ है, और इसका भी रिज़ल्ट अच्छा है। मगर ये मैंने मंगाया है बेटी के लिए, उसकी ऑयली स्किन है, उसके लिए हैंड वॉश, जिसके एलोवेरा और नीम से बना हुआ है, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। मैंने तीन मंगाए थे, एक ओपन कर लिए और दो यहीं रखे हैं मेरे पास, तो मैंने सोचा कि मैं पहले आप लोगों को दिखा दूँ। और ये काफ़ी अच्छा है, बहुत बेस्ट है। और ये मैंने डिटर्जेंट पाउडर मंगाया था, ये भी काफ़ी अच्छा है। जैसे कि हम लोग दूसरा जैसे यूज़ करते हैं, कोई सर्फ एक्सल यूज़ कर रहा है, कोई और चीज़ यूज़ कर रहा है, तो उससे हमारी स्किन, हमारे हाथ ड्राई हो जाते हैं, हमारे हाथों में रैशेज लगने लगते हैं, तो ये काफ़ी बेस्ट है इसके। और मैंने भी ये भी तीन मंगाए थे, तो एक हमने ओपन कर लिया है और आज ही हमने कपड़े धो रहे हैं, कपड़े भी अच्छे धुले हैं, लेकिन अभी पता चलेगा आगे आगे कि स्किन में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अच्छा लग रहा है मुझे। तो चलिए, ये सब मैंने आपको इसलिए दिखाया गाइस क्योंकि वेस्टेज के प्रोडक्ट्स काफ़ी बेस्ट हैं, और हम हमेशा कहीं से भी शॉपिंग करते हैं तो हम लोग सिर्फ पैसा देके आते हैं वहाँ पर, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पैसा देंगे लेकिन पैसा लेंगे भी। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मेरे कहने से कुछ नहीं होता, आप भी एक बार कहीं भी इस बारे में पता कर सकते हैं, ये गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं ज़रूर आपके आसपास वेस्टेज से जुड़े हुए लोग ज़रूर होंगे, तो आप लोग उनसे भी कंफर्म कर सकते हैं। और मेन ये ब्लॉग बनाने का कारण ये था कि मैं आप लोगों को
इसके प्रति कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है इन सब चीज़ों को लेकर, मेरी भी थी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी। तो मैंने इसको पहले भी आज से 6-7 साल पहले भी करने की कोशिश करी, लेकिन मैं किसी कारणवश कर नहीं पाई क्योंकि बेटी के वजह से। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं वर्किंग भी नहीं हूँ, सिर्फ एक हाउस वाइफ हूँ। तो मैं भी कुछ ना कुछ लाइफ में करना चाहती हूँ। तो मेरा सबसे ज़्यादा मेन मोटो अपने लिए भी था कि मैं भी कुछ करूँ लाइफ में, क्योंकि हर एक लेडी जो हाउस वाइफ होती है उसका भी कुछ अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो चाहती है कि वो भी कुछ करे लाइफ में, पढ़ लिख कर। मैंने भी बहुत पढ़ाई की है, मैं भी ग्रेजुएट हूँ, लेकिन वो ग्रेजुएशन मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं बेकार है। तो उस ग्रेजुएशन का भी मैंने सोचा कि घर बैठ कर यूज़ किया जाए, क्योंकि मेरे साथ ये भी प्रॉब्लम है कि मेरी बेटी को मेरे सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। तो कुछ लोग इसको लेके भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रखते हैं माइंड में। तो मैं अब इस वीडियो को वेस्टेज के बारे में कभी ना कभी हर 3rd से 4th दिन आप लोगों को इसके बारे में बताती रहूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इससे देखें और समझें कि आखिर वेस्टेज है क्या, क्योंकि बहुत लोगों को इसके प्रति नेगेटिविटी है और मुझे भी कहीं ना कहीं थी, मैंने आप लोगों को बताया। तो ये इसलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया और आगे भी मैं आपको दिखाती रहूँगी इसके बारे में ब्लॉग। तो अभी हमारी कुछ टाइम बाद मीटिंग होने वाली है, तो वो मीटिंग भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मीटिंग में क्या क्या हुआ है। तो चलिए आगे देखिए, आप लोग पता कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है ये प्लेटफॉर्म। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी गूगल या यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए, मेन मोटो मेरा यही था आप लोगों को बताने का। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। मगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, मुझे नहीं पता क्यों नहीं करते हैं, लेकिन प्लीज़ कीजिए, क्योंकि आप लोग सबको करते हैं यूट्यूब में, तो मुझे भी कीजिए ना, हमें भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।